नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मैनपुरी की, रामपुर की और खतौली की। क्या होने जा रहा है? कई तरह की चर्चाएं हैं। योगी आदित्यनाथ भी करहल में चुनाव सभा को संबोधित करके आ चुके हैं और बड़ा दांव वहां खेल दिया। कहा कि रामपुर और आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से हमने जीता और अब मैनपुरी की बारी है। क्या है जमीनी हकीकत और ग्राउंड पर क्या चल रहा है इस समय? वो शिवपाल यादव को भी फुटबॉल बता करके आए और अभी दो दिन पहले ही शिवपाल यादव की सिक्योरिटी में भी कमी की गई है। हालांकि उसको लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, आलोचना भी की जा रही है कि जब तक चाचा अखिलेश यादव से खिन्न थे, खिंचे खिंचे से थे, तब तक तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो ठीक ठाक रखी गई। जैसे ही वो भतीजे के साथ और बहू के साथ मैनपुरी में अपनी परंपरागत सीट, अपने भाई की परंपरागत सीट बचाने के लिए मैदान में उतर गए, तो यूपी सरकार इतनी नाराज हो गई उनसे कि उनकी सिक्योरिटी में कमी कर दी। तो कई बार इस तरह के कदम जब आप लेते हैं तो वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। लेकिन क्या होगा ये जानने के लिए तीनों ही सीटों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ लखनऊ से आपके चिर परिचित चेहरे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। जी, अब आ गया। जी। देखिए, ऐसा है, शिवपाल जी यादव के शिवपाल जी के लिए मैनपुरी का चुनाव बहुत बड़ा धर्म संकट है। कुआं और खाई का मामला उनके सामने था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी के वो बहुत प्रिय थे, बिल्कुल पुत्र समान थे। और नवंबर 1992 में पार्टी स्थापना के बाद से लेके अंत से लेके 2017 तक समाजवादी पार्टी के संगठन और प्रदेश में स्थापना के लिए शिवपाल जी ने बहुत मेहनत की थी। और वो 2017 में जब उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई तो उन्होंने एक बात हमेशा कही कि साहब, वो कोई बात बिना मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का नाम लिए नहीं करते थे। वो हर बात में ये बात संदेश देने का प्रयास करते थे कि बस वही उत्तराधिकारी हैं मुलायम सिंह यादव के, वही उनकी बात को मान रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी का भी देहांत 10 अक्टूबर को हुआ है और मैनपुरी जैसी जगह पे जो कि उनका घर है। करहल तो बिल्कुल सैफई से लगा हुआ है, कुछ आधे एक किलोमीटर का फासला है। तो उनके लिए समाजवादी के खिलाफ जाना लगभग असंभव था। और सामान्य जनता ने, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो अब उनको मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी मान लिया है। तो अगर शिवपाल जी अखिलेश यादव का या जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती डिंपल यादव का, अगर वो विरोध करते तो पूरे इलाके में वो एक खलनायक हो जाते और वो एक तरीके से उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता। तो उनको किसी ना किसी तरीके से एक यूनिटी का एक फसाद जो है, एक यूनिटी का मुखौटा लगाना ही था। इस नाते वो आए हैं और आज तो खबर आई है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जो है साथ साथ प्रचार करेंगे, एक साथ कैंपेन करेंगे। तो ये और ये उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही कांटे का चुनाव है, उसके अस्तित्व का सवाल है। तो शिवपाल जी के बारे में ये कहना कि उनकी सिक्योरिटी कम होगी, अब तो ये भी खबर आई है कि ये खबर कल से ही चल रही है, आज छपी भी अखबारों में, कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई उनको दोबारा पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। तो अब ये भी बात होगी। और उनकी पार्टी जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, उसको जो है लखनऊ में राजभवन कॉलोनी में बहुत बड़ा बंगला भी आवंटित किया गया था, हो सकता है वो भी उनसे ले लिया जाए। तो शिवपाल यादव जी के सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई थी कि उनको बीजेपी से भी अपना सौहार्द बना के रखना है, अपनी पार्टी को भी बचाए रखना है। और मैनपुरी में परिवार की एकता के नाम पर उनको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे काम नहीं कर सकते थे, जिससे वो जनता की नजरों में खलनायक बने और समाजवादी पार्टी हार जाए। क्योंकि अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है
कि शिवपाल यादव अगर समाजवादी पार्टी मैनपुरी चुनाव हार जाती है तो सारा ठीकरा उनके सर नहीं फोड़ा जाएगा, उनके पास ये कहने को रहेगा देखो मेरे पास मेरे खिलाफ ये कार्रवाई सरकार ने की, मेरी सुरक्षा घटा दी, सीबीआई की जांच हमारे खिलाफ दोबारा शुरू हो गई वगैरह वगैरह। तो ये टाइट रोप वॉक होती है राजनीति में, करनी पड़ती है खासकर क्षेत्रीय पार्टियों की। तो जो कुछ भी हो रहा है मैनपुरी में कुछ भी अचंभित करने वाला नहीं। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अखिलेश यादव और उनके कैंप में इनसिक्योरिटी इस समय बहुत कहना चाहिए हाई है, क्योंकि जो आत्मविश्वास विधानसभा चुनाव के समय देखने को मिल रहा था वो तो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, और विशेषकर रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो ऐसा लगता है कि उनका विश्वास पूरी तरह डिगमगा गया है। अभी उपचुनाव हुआ था लखीमपुर खीरी की एक सीट का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीती है। उससे पहले भी सभी सीटें लखीमपुर खीरी की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इसके बावजूद के वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, भूपेश बघेल, चरणजीत चन्नी और इनके भी अखिलेश यादव के भी लोग वहाँ पहुँचे थे, पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की थी। वो अक्टूबर 21 में, जी मैं उसी की समय की बात कर रहा हूँ कि इसके बावजूद वहाँ सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अब उपचुनाव हुआ है तो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता, दो लोकसभा चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते। क्या खलबली है, असुरक्षा की भावना सिर पर हावी हो गई है। अगर अगर थोड़ा पीछे चलें और ज्यादा पीछे नहीं 2014 से बात करें, 2014 से लगातार ये लड़ाई अब खुल, जिसको मीडिया में एक प्रचलन है कहने का मंडल वर्सेस कमंडल, ये बहुत ही ज्यादा अति सरलीकरण है। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को ये चुनौती मिल रही है कि अब आपको अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बदलनी होगी, जो आपकी मूल प्रवृत्ति, जो आपकी सहज प्रवृत्ति है वो बदलनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में लगातार में दो लोकसभा चुनाव, 2014-19 और 2017-2022 के 4 चुनाव से ये साबित कर दिया है कि उसकी राजनीति समाज में समन्वयकारी है। जाति और मजहब के नाम पर बंटवारा करके और जाति मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट लेने की राजनीति बीजेपी की नहीं है, ये 4 चुनाव और उपचुनाव से साबित हो चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी की नीति आज भी वही 1990 के मंडल वाली है, जाति विभाजनकारी। तो अब और किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बदल लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी बदलने को तैयार नहीं है। और अगर लखीमपुर में उपचुनाव हो रहा है गोला गोकरण नाथ पे, तो यहाँ पे कुर्मी भेज दो नेता को, यहाँ कुर्मियों के 4 गांव हैं, यहाँ पे मौर्या को भेज दो, यहाँ मौर्या के 6 गांव हैं, यहाँ कोरी नेता को भेज दो, यहाँ पे कोरियों के 10 गांव हैं। इस तरीके की राजनीति अब पुरानी पड़ चुकी है और ये अब ये समाजवादी पार्टी को काम नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2014 में अति पिछड़ों और गैर जाटों दलितों के बीच में अपनी पैठ बढ़ाई है, उनको संगठन में, उनको सरकार में जिस तरीके का प्रतिनिधित्व दिया गया है और सभी वर्गों को जिस तरीके से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है जाति और मजहब के भेद के बिना, इसका समाज में बहुत सकारात्मक संदेश गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि केवल जाति के आधार पर ये जातियां उनको वोट देती रहेंगी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चिंता की बात समाजवादी पार्टी के लिए है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में एक नई चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी अब ये कह रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी जब अपना गढ़ नहीं बचा पा रही तो ये बीजेपी से क्या लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई आजमगढ़ लोकसभा का, जहां पे बहुत बड़ी आबादी यादव और मुस्लिम मतदाताओं की है। समाजवादी पार्टी रामपुर का लोकसभा चुनाव हार गई, जहां से आजम खान जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है और जो पिछले 42 साल से 1980 से मुलायम सिंह के साथ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अब प्रदेश में ये कह रही, अब ये कहने जा रही है मुसलमानों से, वो कह भी रही है
कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी से नहीं लड़ सकती, केवल बसपा ही लड़ सकती है, तो मुसलमानों को अब बहुजन समाज पार्टी के पाले में आ जाना चाहिए। इस सब को देखते हुए अगर रामपुर विधानसभा का सीट भी अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है तो और मैनपुरी हार जाती है तो समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है, जो उसकी नींव है, वो है मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण, जो बिहार में लालू यादव का भी है। तो समाजवादी पार्टी का जो MY समीकरण है, जो इसकी बुनियाद है, वही हिल जाएगी। तो इसलिए समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। और 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 8 साल हो गए, समाजवादी पार्टी आज तक ये नहीं तय कर पाई कि हमें बीजेपी से लड़ना किस मुद्दे के ऊपर है। कभी वो कभी ट्वीट करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूं कि समाजवादी पार्टी में कितना कंफ्यूजन है। 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में लगातार 4 सालों से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बजट बिना बहस के पास हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी इसको विधानसभा में मुद्दा नहीं बनाया। 2020 में, 21 में कोरोना फैला और 20 में अप्रैल में लॉकडाउन लगा, 20 और 2021 अप्रैल में लॉकडाउन लगा, पूरे प्रदेश में लोगों ने बहुत कष्ट झेला लॉकडाउन से, बहुत लोगों की मौतें भी हुई, बहुत लोग इस इन्फेक्शन का शिकार हुए, लेकिन उपचार के बाद घर लौट आए, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, तो और एक संकट खड़ा हुआ था। तो 20 और 21 में समाजवादी पार्टी ने लगातार इसको मुद्दा बनाया, 2022 के विधानसभा में इसको बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जब मई 2022 में 18वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ तो समाजवादी पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे पर खामोश रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आज तक ये लड़ ही नहीं पाए, और जबकि वास्तविकता ये है कि अब समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे से कैसे निपटे, अब वो इसकी तैयारी में ज्यादा लगी दिखती है। और बल्कि मैं साफ कहूं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक जमीन है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति का एस्ट्रोटर्फ बिछाया है, उस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों नहीं खेल पा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी नहीं खेल पा रहे हैं। एस्ट्रोटर्फ जो है वो हॉकी के मैदान को कहते हैं, तो यूं कहा जाए कि ये घास के मैदान पे खेलने के आदी हैं। अक्टूबर 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव ये परशुराम के मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे और हनुमान जी के मंदिर की घोषणा बनवाने की घोषणा कर रहे थे। और कांग्रेस नेता जो प्रियंका गांधी हैं, वो काशी में चंदन का तिलक लगा करके महामृत्युंजय मंच का जाप कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश मिश्रा अयोध्या में, फैजाबाद में, अन्य जिलों में घूम घूम कर सम्मेलन कर रहे थे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, और ये भी घोषणा कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, ये अन्य तीर्थ स्थलों पर जो धार्मिक स्थलों के विकास की जो योजनाएं शुरू की हैं, वो कोई योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि नई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इनके सामने सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन यही है कि बीजेपी की हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसको कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कैसे मुकाबला किया जाए। और पिछले 8.5 साल में, 2014 से आज तक, अब ये साबित हो गया है कि जाति पे आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, जाति पे आधारित जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो हिंदुत्व की राजनीति से लगातार पिट रही है। उत्तर प्रदेश में तो पिट रही है, बिहार में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन यूपी में ऐसा हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के सामने ना तो केवल यही संकट है कि जाति पे आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आधार पर जो अपनी राजनीति उन्होंने की है पिछले 30 सालों में, उसको कैसे बचाया जाए, साथ ही साथ जो अपना मुस्लिम यादव वोट बैंक है, जो उनका आधार है, जो उनका वैचारिक आधार है, सामाजिक आधार है, राजनीतिक आधार, उसको कैसे बचाया जाए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गैर यादव पिछड़ी जाति के लोगों को साथ लाने की कोशिश की थी, जैसे सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी जो है बीजेपी छोड़ के सपा में आ गए थे, आजमगढ़ के दारा सिंह चौहान बीजेपी सरकार में मंत्री थे वो छोड़ के आ गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी सरकार में मंत्री थे वो भी छोड़ के बीजेपी में आ गए थे, और बदायूं में एक दल है, एक पार्टी है, केशव मौर्य की महान दल, उन्होंने भी गठबंधन किया था सपा से, और एक जो पार्टी है गाजीपुर के नेता है ओमप्रकाश राजभर, जिनकी सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी है, उन्होंने भी गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद ओमप्रकाश राजभर भी बाहर चले गए और राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जो है NDA के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया।
उसके बाद खबर आई कि सब वो केशव मौर्य महान दल, उन्होंने भी संबंध तोड़ लिया। आज खबर आई है कि धर्म सिंह सैनी आज जो है खतौली में योगी आदित्यनाथ जी की सभा है मुजफ्फरनगर में जहां उपचुनाव हो रहा है, वो आज फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने बड़े बुनियादी संकट हैं कि आपने अति पिछड़ों में पैठ बढ़ाने का काम किया, वो आपका प्रयोग असफल हो गया, या ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बुरी तरह बिखर गया। और अब आप आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव हार गए, रामपुर लोकसभा का चुनाव हार गए, और रामपुर विधानसभा में जो अब तक जो खबरें हैं वो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े क्लियर बहुमत से वहां चुनाव जीतने जा रही है। मैनपुरी में संघर्ष कांटे का है। तो समाजवादी पार्टी के सामने जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा अगर ये सब चुनाव हार जाते हैं। और एक बार और मैं कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने कभी उपचुनाव में कैंपेन नहीं किया, कभी चुनाव प्रचार नहीं किया। इस वर्ष जून में जब उपचुनाव हो रहा था आजमगढ़ में, तब सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गली गली गांव गांव घूम रहे थे आजमगढ़ में, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गया, तो तब सुहेल देव ने कहा था कि अखिलेश जी एसी कमरे से बाहर निकलिए, जनता से जुड़िए, जनता के बीच में जाइए। और अब वो लगातार कह रहे हैं कि चूंकि अब उनकी पत्नी चुनाव खुद मैदान में है, इसलिए अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने के दिन से लगातार वो मैनपुरी में ही बने हुए हैं और लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अब ये सारे अंतर विरोध और सारे विरोधाभास खुल के सामने आ रहे हैं, जिसको अखिलेश को फेस करना पड़ेगा। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। सारे वार्डों में आरक्षण की सूची पूरे प्रदेश में ये 5 दिसंबर तक आने की संभावना है, और हर हालत इसी महीने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और जनवरी के दूसरे हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी इस भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयत्नशील है कि उपचुनाव में उसकी जीत हो। और समाजवादी पार्टी के सामने एक और मौका होगा मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कि वो बीजेपी से दो दो हाथ करे। तो उपचुनाव के जो परिणाम है इनका सीधा संबंध होगा नगर निकाय चुनाव से, इसलिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अहम बात आपने बताई है वीरेन जी। आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों से एक निवेदन कर दूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलें। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर पुश करें। वीरेन जी, मुलायम सिंह यादव की तारीफ करके आए हैं योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया है, क्या रणनीति है, क्या राजनीति है? देखिए, परिवारवाद का सारी पार्टियों पे हमला भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रणनीति का हिस्सा रहा है, वो कांग्रेस हो और कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन भारत में किसी भी राज्य में एक भी क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं है जो परिवारवादी या एक फैमिली एंटरप्राइज ना हो, एक परिवार की निजी कंपनी ना हो। वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो, वो बंगाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, सभी राज्यों में यही स्थिति है और यही स्थिति उत्तर पूर्व के राज्यों में है। और ये बात अब बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है कि परिवारवादी पार्टियों के चलते इसका पूरे प्रदेश, उस प्रदेश के शासन में, प्रशासन में और पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में और पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को खुल करके ब्लूम करने में ये बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि सबको सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में समाहित है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रणनीति है और कोई भी दल इसका मुकाबला नहीं कर पाता। और अबका समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी में कितने एमपी, एमएलए, मिनिस्टर एक ही परिवार के लोग हैं। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने कि राजनाथ सिंह जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री है, उनका बेटा यूपी में एमएलए है, ठीक बात है। ऐसे और भी बहुत से परिवार हैं, लेकिन
ये राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सदस्य हैं। राजनाथ सिंह जी के पुत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी के पिताजी या उनके बाबा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। पिछले 20 साल में जो है एक दर्जन अध्यक्ष हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजनाथ सिंह जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अध्यक्ष रहे, लेकिन अगला अध्यक्ष उनका पुत्र होगा ये संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश का में मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करेगा, जैसा कि कांग्रेस में सारा काम एक परिवार से होता है। सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव है। तो समाजवादी पार्टी ये जो लिस्ट जारी करती है कि बीजेपी के इतने नेता के इतने मंत्री विधायक सांसद एक परिवार के हैं, और एक पार्टी परिवार को ओन करती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। परिवारवाद वो थोड़ी परिवारवाद है। और अभी जैसे गोला गोकर्णनाथ में अभी असेंबली का उपचुनाव हुआ, विधायक जी जो थे बीजेपी के उनके देहांत के बाद उनके पुत्र को टिकट मिला और वो जीते। अब ये परिवारवाद नहीं है, ये उन्होंने टिकट दे दिया, लेकिन इसका भी फैसला भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। तो ये परिवारवाद की राजनीति जो है वो बहुत घातक है देश के लिए, और ये अब 30 सालों से सामने आ चुका है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, परिवारवाद का जो बीजेपी का हमला है अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के सामने रक्षात्मक मुद्रा में है। वो इसका कोई पॉलिटिकल काउंटर अभी तक, उसका कोई राजनीतिक छोड़ अभी तक वो विकसित नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप वीरेन जी। अब एक सवाल और मैनपुरी पर, उसके बाद रामपुर पर चर्चा करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव, जैसे आपके दो उपचुनाव हारे हैं आजमगढ़ रामपुर, इसी क्रम में अगर मैनपुरी भी लूज कर गई समाजवादी पार्टी, 2024 के चुनाव पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा? हालांकि सब जानते हैं 2014 में भी 5 सीटें, 2019 में भी 5 सीटें, इससे आगे समाजवादी पार्टी बढ़ नहीं रही है, लेकिन क्या मुसलमानों का मोह भंग हो जाएगा अखिलेश यादव से? देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अगर इस वर्ष जुलाई में जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पसमांदा मुसलमानों तक संपर्क करने की बात की थी और एक मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम की घोषणा की थी, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जाके मुसलमानों से मिले और उनके बीच में स्नेह यात्रा निकालें। इस काम को लेकर के बीजेपी ने बहुत ही सक्रियता से काम किया है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी किया है, और इसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है रामपुर में। और एक बात जो बात कभी राष्ट्रीय विमर्श में नहीं आती है कि हमेशा मुसलमान के नाम पर हमेशा मुसलमान मुसलमान कहा जाता है, लेकिन मुसलमान के नाम पर सारी राजनीति का पर कब्जा केवल मुसलमानों की जो चार बड़ी जातियां हैं, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, तुर्कों को यूपी में मुगल भी कहा जाता है, इनको अशरफ कहते हैं। तो ये अशराफिया जो है इसका पूरी राजनीति पे कब्जा है, वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, या दारुल उलूम देवबंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और सारे राजनीतिक दलों में जितने नेता मुसलमानों के हैं, कांग्रेस में हो, इवन बीजेपी में भी, ये सब अशरफ समुदाय के हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हो कांग्रेस में, या आजम खान हो समाजवादी पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा है कि अब जो है ये कि ये जो अशराफिया है ये तो हमारे साथ नहीं आएगा, और ये ही हमारे खिलाफ हर मामले में लगा रहता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों को, विशेष करके पासवांदा और पासवांदा में मुसलमान वो भी आते हैं जिनको मंडल आयोग के तहत आरक्षण का लाभ भी मिलता है, और कुछ दलित जातियों के मुसलमानों को भी दलित जाति का लाभ, आरक्षण का लाभ मिलता है। तो ये जो पिछले 5-6 सालों में जो इनको सबको योजनाओं का लाभ मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के पसमांदा वर्ग की एक में एक की विश्वसनीयता हासिल हुई है,
और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा। भारतीय जनता पार्टी ये जो आरोप लगाती है कि आपने केवल इसको वोट बैंक समझा, तो उसका बड़ा ठोस आधार है। मैं आपको बताता हूं कैसे है। मुस्लिम के नाम पर हमेशा जो है केवल कुछ मौलवी मुल्ला और जो अशराफिया समाज के लोग हैं इनको लाभ मिला। लखनऊ में, वाराणसी में, गाजियाबाद में हज हाउस बना, अच्छी बातें बना, लेकिन ये सारा जो देख रेख है, ये सारा इसका जो श्रेय है वो अशराफिया को मिलता है, पसमांदा को नहीं मिलता है। मुसलमानों के लिए कांग्रेस की सरकार में सच्चर कमेटी की बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर काफी बजटरी एलोकेशन हुआ, उसका लाभ भी मिला, लेकिन वो भी लाभ इसी वर्ग को मिला जो कि पावरफुल है, जो डोमिनेंट है, जो सत्ता से बहुत निकट के संबंध बना के रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने अशराफिया का ये जो सत्ता पे जो पकड़ थी, जो स्ट्रैंगल होल्ड था, उसको ब्रेक किया है। तो उसके ब्रेक होने के बाद से ये भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस में थोड़ी सी खलबली है कि अब जो है जो पारंपरिक जो तौर तरीके थे मुस्लिम राजनीति को कंडक्ट करने के, उसको बीजेपी ने बदला है और उसको बदला है बहुत ही सकारात्मक और सार्थक और बहुत ही सार्थक रणनीति और यानी विकास कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने की रणनीति के तहत किया है। और अब तक आरोप लगता था कि साहब ये तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, दंगा कराती है और कम्युनल पोलराइजेशन कराती है। कहां कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है? रामपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम जो नेता समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और रामपुर नवाब के जो वंशज हैं, नवाब काजिम अली जो विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस से और बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने भी जो है रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना को अपना समर्थन दिया है। तो ये जो सामुदायिक विभाजन के नाम पर बीजेपी का भय दिखा करके अब तक जो सपा बसपा कांग्रेस ने जो मुसलमानों के वोटों का लाभ उठाया है, तो बीजेपी ने इस दुष्चक्र को तोड़ दिया है उत्तर प्रदेश में। तो ये टूट जाने से आप मुझे बताइए, 2017 मार्च से यूपी में योगी जी की सरकार है, कहां दंगा हुआ, कहां मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ? लेकिन केवल कानून अपना काम कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो अवैध रूप से जो गोकशी कर रहे थे, गायों की तस्करी कर रहे थे, ये अवैध रूप से मीट का व्यापार कर रहे थे, या जिन लोगों ने अपनी इस अवैध धंधों से जो बेशुमार संपत्ति बनाई है उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार ने जब्त किया है। अगर मेरठ के याकूब कुरैशी जो कि गोकशी के और मीट के जो अगर अवैध धंधे में लिप्त थे, आज वो पूरा परिवार भागा फिर रहा है, उनको हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उनका एक पुत्र लड़का गिरफ्तार भी हुआ है। तो आप इसको किसी समुदाय विशेष या मजहब विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, ये कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे कोई बहुजन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के जमाने के नहीं है। मुख्तार अंसारी 2004 से जेल में बैठे हुए हैं, उनको योगी जी जेल नहीं भेजा है। तो ये जो भ्रम पैदा किया जाता है कि सब मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, केवल जो अपराधी है, जो आप बताइए मेरठ में जो सबसे बड़ा जो चोरी की के वाहनों का बाजार है, उसका नाम आपको याद होगा, मुझे भूल रहा है समय, सोतीगंज। अब सोतीगंज में अवैध व्यापार बंद हुआ ना, NCR क्षेत्र में गाड़ियों की चोरी बंद हुई ना, तो सोतीगंज में जो आपराधिक कार्य हो रहा था, जो अवैध कार्य हो रहा था, गाड़ी चोरी हुई और आधे घंटे में पूरी गाड़ी कट के तैयार हो गई और उसमें साल में अरबों का व्यापार हो रहा था, तो ये बंद हुआ ना। तो इसलिए ये जो चीज जो पारंपरिक तरीका था कि साहब कम्युनल पोलराइजेशन कर दो, मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी का भय खड़ा कर दो और उनका एक मुश्त वोट ले लो और इलेक्शन जीत लो और सत्ता में मजे मारो। और असाउद्दीन ओवैसी इसीलिए लगातार ये बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में मुसलमान की जो भूमिका है वो केवल बारात में बैंड बाजे वाले की है। बारात जब लड़की घर पहुंच जाती है तो बारात तो अंदर चली जाती है जहां शामियाना होता है, और बैंड बाजे वाले बाहर ही रह जाते हैं।
तो और समाजवादी पार्टी ओवैसी के इस आरोप का काउंटर आज तक नहीं कर पाई। तो ये सारी समस्याएं हैं जो, तो 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव राजनीतिक समीकरण की विश्वसनीयता पर जो गंभीर चिन्ह लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के, ये सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्लीज सब्सक्राइब माई न्यू चैनल @ओमकार चौधरी व्लॉग्स। इस पर बड़े दिलचस्प किस्से मैं सुना रहा हूँ अपने पत्रकारिता जीवन के। ऐसी बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं होती हैं, भट्ट साहब के जीवन में भी मार तमाम घटनाएं हुई होंगी, जब ये किसी नेता से मिलने गए, मुलाकात तय हुई, आखिरी समय पर पता लगा कि वो मुलाकात रद्द कर दी गई, क्या कारण थे, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ बहुत करता था नेताओं के, तो इंटरव्यू करने से पहले भी तमाम तरह की बातें होती थी, वो हम आमतौर पर अपने अखबार में लिख नहीं पाते, कभी बता भी नहीं पाते। तो इस चैनल पर ऐसे इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं। गोपाल दास नीरज जो गीतकार थे, उनका इंटरव्यू करने के लिए जब मैं दिल्ली में गया तो पता लगा कि बोतलें खुली हुई हैं और वो उस हालत में ही नहीं थे कि बातचीत कर पाएँ, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि कल सुबह मेरे होटल आ जाओ। अनगिनत किस्से हैं ऐसे, बहुत दिलचस्प किस्से हैं। संतोष आनंद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ऐसे गीत लिखने वाले संतोष आनंद। बहुत सारी घटनाएं, मतलब जीवन से जुड़ी हुई, पत्रकारिता जीवन से जुड़ी हुई, उस चैनल पर यही सब मैं सुना रहा हूं आजकल, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आपको आनंद आएगा। वीरेन जी, अगर रामपुर पर जाएं तो ये अभी से आजम खान ने रोना धोना क्यों शुरू कर दिया है? वो कह रहे हैं कि जी चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है, और यहाँ तो पुलिस वाले और प्रशासन वाले ही धमका रहे हैं लोगों को, और वही प्रचार में लगे हुए हैं। क्या दीवारों पर हार लिखी हुई उनको साफ साफ दिखाई देने लगी है? मुझे अगर ठीक से याद है तो एक किताब है मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, स्टेनली वोलपार्ट की, द सोल स्पोक्समैन। जिन्ना कहते थे ना आजादी के पहले की केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की पार्टी हो सकती है, केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती। आजम खान की राजनीति कुछ इसी तरीके की रही है कि बस अगर वो कांग्रेस के बाहर की पार्टी में मुसलमानों के अकेले एकमात्र नेता वही हैं। 1980 से उनका यही हिसाब रहा है। 1992 में समाजवादी पार्टी बनने के बाद भी उन्होंने कभी किसी भी मुस्लिम नेता को समाजवादी पार्टी में उभरने नहीं दिया, जबकि एक समय में 30 या 35 तक 28-30 एमएलए समाजवादी पार्टी में होते थे, मुस्लिम एमएलए, वेस्टर्न यूपी के भी, ईस्टर्न यूपी के भी। तो आजम खान की राजनीति केवल यही रही है। और जो उनका जो अंतिम दौर था सत्ता में 2012 से 17 के बीच में, उन्होंने जिस तरीके से अत्याचार किया रामपुर में, गरीबों को उजाड़ा, उनके यतीम खाने को तोड़ा, गरीबों की जबरदस्ती जमीन छीन करके यूनिवर्सिटी में शामिल किया, और उसमें लगभग सभी मुसलमान ही हैं, और भी तमाम उन्होंने अत्याचार किए हैं, इस सब को लेकर के स्थानीय जनता में उनको लेकर के बहुत नाराजगी है। और आजम खान आज विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो ये एक बात नहीं बताते हैं कि आजम खान के खिलाफ जितने मुकदमे हुए हैं उसमें एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस को जांच का आदेश दिया हो और उस पर मुकदमा हुआ हो। वो सारे मुकदमे उनके खिलाफ जो 2012 से 17 के बीच में जो उनके खिलाफ शिकायतें थी और जिसपे पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, जो बाद में कोर्ट के या राजभवन के इंटरवेंशन से मुकदमे दर्ज हुए, और फैसल खान लाला एक वहां नेता था कांग्रेस का जिसको कांग्रेस ने निकाल दिया, बाद में वो आम आदमी पार्टी में चला गया, सारा अभियान उसने चलाया था, और इसी अभियान में आकाश सक्सेना भी लगे हुए थे जो इस समय बीजेपी के उम्मीदवार हैं।
तो आजम खान ने इतना ज्यादा अत्याचार किया है वहां गरीबों के ऊपर, इतना ज्यादा जुल्म किया है कि उसका खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। और कल वो कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है ना, अब तो ना मैं सांसद हूं, ना मैं मंत्री हूं, ना मैं विधायक हूं, अब तो मैं वोटर भी नहीं हूं। अगर आप कुछ भी नहीं है तो इसके जिम्मेदार केवल आप स्वयं हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। और अब आप बताइए कि 300 साल पुराना वहां एक वहां मदरसे में 300 साल पुरानी किताबें आपने लिफ्ट के वेल में बोरे में भर के डाल रखी थी जो पुलिस ने रिकवर की है। जी, वो बेस्ट किताबें हैं, वो एंटीक वैल्यू की किताबें हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्रिजर्व किया जाना चाहिए था। और कोई किताबों की चोरी करता है? अब इसमें यूपी गवर्नमेंट कहां से आ गई? अब और वो हाईकोर्ट गए थे कि साहब हमारी यूनिवर्सिटी में पुलिस डिप्लॉय की गई है, तो हाईकोर्ट ने उनकी उनकी इस रिट को एक्सेप्ट नहीं किया, खारिज हो गई। तो आजम खान के खिलाफ राजनीति में जब कोई नेता बहुत संकट में होता है तो उसके पास एक ही कार्ड बचता है, विक्टिम कार्ड, जो आजम खान इस समय खुल के खेल रहे हैं। और उनको ये उनको स्पष्ट मालूम है कि ये सीट बचाना लगभग नामुमकिन है, रामपुर की सीट, और बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। और मैं उनसे ये पूछता हूं, अगर रामपुर लोकसभा का में जो उपचुनाव हुआ था जून में, अगर वहां बहुत गड़बड़ की गई थी और वहां बेमानी हुई थी, वहां ज्यादतियां हुई थी, तो आजम खान को किसने रोका था कि वो चुनाव आयोग का जो पर्यवेक्षक वहां मौजूद है वो उसको इसकी शिकायत दर्ज कराते? आजम खान को किसने रोका था कि वो चुनाव आयोग दिल्ली का जो मुख्यालय है वहां इसकी शिकायत भेजते? अब तो बहुत आसान तरीके आ गए हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप वीडियो भेज सकते हैं, दिल्ली ना भेजिए लेकिन जो चुनाव आयोग ने जो पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर दो दो बैठाए हैं रामपुर में, आपने उन तक शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? और सोशल मीडिया पर ही डाल दीजिए, सोशल मीडिया पर डाल देते आप, ट्वीट करते, आप फेसबुक पर डालते, आपने कुछ नहीं किया। और चुनाव हारने के बाद आप जो है ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि साहब हमारे संग ज्यादती हो रही है। और ये उनकी आदत पुरानी है, मैं जानता हूँ पिछले 35-40 सालों से, कि साहब हम तो मुसलमान हैं, ये कोई नई बात नहीं है उनकी। ये बिल्कुल सही बात है। और ये खतौली में क्या होने जा रहा है? मदन भैया को मैदान में उतार करके कहीं गलती तो नहीं कर दी है जयंत चौधरी ने? देखिए सर, आज योगी जी वहां पे चुनाव कैंपेन में जा रहे हैं, आज खतौली में। और ये मेरी भी समझ से बाहर है कि जयंत चौधरी को मेरठ से उम्मीदवार एक गुजर जाति के मदन भैया को लाने की ये कौन सी उनकी रणनीति हो सकती है, ये मेरी समझ के बाहर है। जहां तक मेरी जानकारी है, खतौली में गुजर मतदाता नहीं के बराबर है, बहुत कम। और वहां पे जो असली जो वहां संख्या है वो अच्छी पिछड़े वर्ग सैनी की है, मुसलमानों की है, जाटों की है। तो क्या वो तो ये सारे समीकरणों को उन्होंने क्यों ताक पे रखा, क्यों उसको इग्नोर किया, ये तो वही बताएंगे। लेकिन जो अब तक वहां से खबरें आ रही हैं और जो रिपोर्ट आ रही हैं वो तो ये बताती है कि बीजेपी का कैंडिडेट काफी सुरक्षित स्थिति में है। और शायद ये भी खबर है कि शायद 2 तारीख को अखिलेश यादव भी जा सकते हैं खतौली चुनाव प्रचार करने। तो इससे मैं है तो रामपुर और मैनपुरी पे है, लेकिन चूंकि खतौली में भी चुनाव हो रहा है तो उसके भी महत्व को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन खतौली में जयंत चौधरी के उम्मीदवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरी मुजफ्फरनगर बात हो रही थी एक अखबार के वरिष्ठ संवाददाता से, उसका कहना था कि कम से कम 20-22 हजार से लीड है इस समय भारतीय जनता पार्टी की और ये बढ़ सकती है। मतलब पिछले 2 चुनाव इजीली भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी वहाँ से जीते थे, जिनको आजम खान की तरह अयोग्य घोषित किया गया है और ये सीट वैकेंट हुई है। तो उनका कहना ये है कि मदन भैया का तो बड़ा भारी विरोध वहाँ हो गया है, तो इसलिए मैंने पूछा कि ऐसा क्या देखा मदन भैया में कि उसको वहाँ लेकर के गए? किसी लोकल कार्यकर्ता को अगर वो वहाँ टिकट देते, वो जीतता हारता वो एक अलग बात थी,
पर वहां के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल तो बढ़ता, एक संगठन में ये तो आश्वस्ति का भाव आता कि भाई हमारे बीच के आदमी को ही कैंडिडेट बनाया गया है, बाहर से किसी को लेकर के नहीं आए हैं, इससे इनको क्या फायदा होगा? किनको? जैन चौधरी को? जी 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 जी, यहाँ पे वहां पे तो दबी जबान पे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आरएलडी ने इस टिकट को बेच दिया, तो ये मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। और एक बात और भी है, 2022 के विधानसभा चुनाव के समय जो मुजफ्फरनगर में और बागपत में जो जो किसान आंदोलन की जो गर्मी थी, हालांकि सरकार ने तो नवंबर 19, 2021 को ही सारे किसी कानून वापस ले लिए थे और उसके बाद 26 तारीख को आंदोलन ही वापस हो गया था, तो जब उनको मार्च 2022 में जब किसान आंदोलन की गर्मी का लाभ नहीं मिला तो अब कैसे मिल जाएगा? और आपको याद हो जो किसान आंदोलन के बड़े नेता हैं, जो आजकल राहुल गांधी के संग जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, योगेंद्र यादव, उन्होंने ये कहा था ना कि हमने तो आंदोलन के जरिए विपक्ष के लिए पिच तैयार की थी लेकिन विपक्ष खेल नहीं पाया, ये उन्होंने कहा था ना। तो ये तो अब तो ऐसा नहीं कि ये वहां के जो स्थानीय लोगों को बात ये बात याद नहीं होगी और वो अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे होंगे। तो खतौली के उपचुनाव में मुझे कोई खास जो है कोई कंटेस्ट ही नजर नहीं आता, वो चाहे जो भी वादा करें, जो भी दावा करें ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। और इस चर्चा में कितनी जान है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कि मैनपुरी चलिए आप लोग जीत लीजिए और दोनों सीटें ये हमारी हैं, क्या इस तरह की केवल चंडू खाने की है या इसमें कुछ ऐसा है? राजनीति में कयासों का, स्पेकुलेशन की कोई सीमा नहीं होती, ये एंडलेस होती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव लड़ने के लिए एक शत्रु चाहिए। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये स्पष्ट था कि अगर कांग्रेस के ऊपर हम लगातार हमला करेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में ही सहानुभूति लहर खड़ी हो जाए कि भाई ये 27 साल से बाहर है सत्ता से, आप इन्हें क्यों गाली दे रहे हैं। तो जिस तरीके से आम आदमी वहां मैदान में आई, उसके बाद चुनाव वहां पे तेजी पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कामयाब रही। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है नहीं, समय कहीं कांग्रेस है नहीं, तो समाजवादी पार्टी का एक सीमा से नीचे जाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉन्ग रन में घातक हो सकता है कि भाई आखिरकार फिर अगर जब 2024 में चुनाव होगा तो बीजेपी किसके गुंडा राज की और माफिया राज की परिवारवाद की याद वोटरों को दिलाएगी और अपने वोटरों को इकट्ठा करने के लिए कौन से गुंडा राज की बात करेगी। तो बीजेपी को भी समाजवादी पार्टी की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। तो और अब अगर 2024 में बीजेपी अगर कहे कि वो सोनिया गांधी के राज में ये हुआ था तो लोग कहेंगे भाई कहां सोनिया गांधी। 1984 आखिरी बार था जब कांग्रेस को केंद्र में बहुमत मिला था जी, और 1989 से लेकर 19 तक 9 या 10 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस को यूपी में कभी भी जो है 20 सीट से ऊपर नहीं मिली, वो भी एक बार मिल गई थी 2009 में। 1998 में कांग्रेस की सीटें जीरो आई थी यूपी से 85 में। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से बात निकलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी एक व्हिपिंग हॉर्स चाहिए, एक शत्रु चाहिए जिसके ऊपर वो लगातार कोड़े बरसा सके और जनता को बसा सके कि देखो ये काला राज है, ये काले दिन है, ये हुआ था कैराना में, ये हुआ था कांधला में, हिंदुओं का पलायन हुआ था, दंगे होते थे, गुंडा राज था, माफिया राज था, जमीन कब्जा होती थी। तो अगर समाजवादी पार्टी जब ही गिर जाएगी तो फिर ये कोड़े किसको मारेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डिंपल यादव अगर जीत जाती है तो परिवारवाद का जो आरोप लगाती है, जो राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी जिंदा रहेगी, नहीं तो बिल्कुल। वीरेन जी, इतना समय निकालने के लिए ओसियन नेटवर्क के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सार्थक चर्चा हुई है, थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार।